पर बसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या मंदिर और मूर्तियों की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। इसी अयोध्या में प्रभु राम की जन्मस्थली भी है। आज उनकी जन्मस्थली पर बालक राम विराजमान भी हो गए हैं और प्रतिदिन 1 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अयोध्या के राम मंदिर में अभी तक कितना खर्च हुआ? यह सवाल हर उस सनातन धर्म, हर उस राम भक्त के मन में चलता है कि आखिर अयोध्या के राम मंदिर में कितना खर्च हुआ। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर का लेखा जोखा वित्तीय वर्ष के हिसाब से किया जाता है। वित्तीय वर्ष में पूरे देश दुनिया के राम भक्तों ने अयोध्या के राम मंदिर में किन किन माध्यम से दान दिया, कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, कितना पैसे राम मंदिर निर्माण में लगे, कितना पैसा यात्री सुविधा केंद्र में लगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी ने मीडिया से वित्तीय वर्ष 23 और 24 का लेखा जोखा पेश किया, जिसमें वित्तीय वर्ष साल 2023 और 24 में राम मंदिर में 776 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में राम मंदिर ट्रस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि टोटल मिलाकर सब कुछ 850 करोड़ रुपए खर्च होने का संभावना है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 23 और 24 में 363 करोड़ 34 लाख रुपए राम भक्तों ने दान भी दिया है। मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-2024 पूरा हो गया। हमारे काउंटर पर आकर लोगों ने चेक दिए या नकद धन दिया, काउंटर पर आकर, ये 53 करोड़ रुपया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 31 मार्च 2024, ये 2024 का है, 53 करोड़ मार्च 2024 तक। जी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 अगर आपने वित्त वर्ष नहीं लिखा तो 1 अप्रैल से 21 मार्च, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, पात्र जो भगवान के सामने हुंडी रखी रहती है उसमें 24 करोड़ 50 लाख रुपया गिनती होकर बैंक में जमा हो पाया। लगभग 71 करोड़ रुपया लोगों ने अपने अपने गांव से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। 23-24 वित्त वर्ष में 10 करोड़ 43 लाख रुपया 31 मार्च के पहले आया है। बैंक में जो ब्याज रहता है वो लगभग आप 204 करोड़ रुपया मान सकते हैं, अर्थात 2023-24 फाइनेंशियल ईयर हमें 363 करोड़ 34 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। स्थाई निर्माण जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो मंदिर निर्माण है। मंदिर के सहयोगी जैसे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये मंदिर के अंदर की ऐसी चीज़ें हैं। इसे आप 776 करोड़ रुपया का खर्चा मान सकते हैं। निर्माण पर 540 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, शेष अन्य और इस वित्तीय वर्ष में 146 करोड़ रुपया का खर्च हुआ है।